हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सूर्या ब्लॉग। आज मैं फिर पहुंच चुका अहमदाबाद। फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ आज आया हूं। मैं क्या देखने आया हूं? मैं तो अटल ब्रिज देखने आया हूं। तो चलिए, और फ्लावर शो भी है यहां। ये देखिए अटल ब्रिज का पूरा व्यू, हम रोड से जाते हुए तो देखे इसे। तो चलते हैं, देखते हैं टिकट मिलता है कि नहीं, क्योंकि आज तो बहुत भीड़ है। हमें उस साइड से टिकट नहीं मिली, ये हम दूसरे साइड आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी वेटिंग है और बहुत सारी लाइन है। तो अफसोस, आज तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फिर भी बाहर का व्यू हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए, ये एंट्री पॉइंट है, ये साबरमती नदी पर बना हुआ है। काफ़ी सुंदर व्यू है यहाँ का, रात के समय तो और भी औसम दिखता है ये। ये देखिए पीछे का नज़ारा, ये तो चलिए, तो आइए नीचे चलते हैं। ये नीचे जाने का भी बनाया गया है, ये साबरमती पे ग्लास ब्रिज बनाया गया है, लेकिन ये पूरा ग्लास का नहीं है, कहीं कहीं सिर्फ ग्लास का यूज़ किया गया है। ये देखिए साबरमती नदी कितनी सुंदर दिख रहा है, वो सामने ब्रिज, उसी ब्रिज से हम लोग घूम के आए हैं। यहाँ लोग बहुत वेटिंग में खड़े हैं लाइन लगा के, और आज संडे भी है, तो संडे के दिन मेरी छुट्टी रहती है, तो मैं यहाँ पहुँच गया। लेकिन मुझे क्या पता कि यहाँ बहुत भीड़ होगा, और शाम के टाइम ही यहाँ काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप कभी भी आइए तो शाम के टाइम ही आइए, क्योंकि ये साबरमती नदी एकदम नाइट का जो नज़ारा है काफ़ी सुंदर दिखता है यहाँ पे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और लाइक करना नहीं बोले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं भैया, तभी तो नोटिफिकेशन आएगा ना हमारा। ये नीचे का है साबरमती नदी के पास से, ये पूरा साबरमती नदी भर गई है, मतलब ऊपर आ गया है शाम के समय। ये अब पानी काफ़ी है यहाँ, ये नीचे का ब्रिज के पास, यहाँ घूम फिर भी सकते हैं आप साबरमती नदी। एक मुझे ये चीज़ अच्छी लगी यहाँ की, कि ये साबरमती नदी के ऊपर बना है, फिर नीचे में भी आप जैसे नदी के एकदम किनारे, जैसे बॉम्बे में बना हुआ है मरीन ड्राइव, उस टाइप का यहाँ पे बना हुआ है, काफ़ी औसम है, सुंदर है, आप साइकिलिंग कर सकते हैं।